हेलो ऑल, वेलकम टू ट्यूटी गाइड। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक हम सॉल्व करेंगे। 6 नंबर सिमिलर टू 5 नंबर है, जो कि आपको खुद से करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको हो रहा है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ द रेडी ऑफ टू सर्कल इज 4:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो रेडी का मतलब क्या है? एक से ज्यादा सर्कल का रेडियस को, मतलब एक से ज्यादा रेडियस को रेडी बोला जाता है। तो यहाँ पर दो सर्कल है, उसका रेडियस 4:5 रेशियो में दिया गया है, तो उसका एरियाज का रेशियो हमको निकालना है। वो कैसे करेंगे? देखो, रेशियो मतलब क्या है? R1 पहले ले लेंगे, रेशियो ऑफ फर्स्ट सर्कल लिख भी सकते हो, R2 रेशियो ऑफ सेकेंड सर्कल है कि नहीं। तो रेशियो क्या क्या दिया गया है? R1 डिवाइडेड बाय R2, और R1:R2 जो कि 4:5 है कि नहीं। तो देयरफॉर R1 हमारा 4 है एंड R2 = 5 है कि नहीं। नेक्स्ट हमको क्या करना है? Area 1, तो Area 1 A1 मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ दर एरियाज। रेशियो ऑफ दर एरियाज इजिकल टू A1 डिवाइडेड बाय A2 जो कि A1:A2 होगा कि नहीं, क्योंकि A1 हमारा R रेडियस के लिए, A2 R2 रेडियस के लिए, Area 1 Area 2 हो गया। अभी क्या करना है? A1 इजिकल टू क्या करना है? πR1² जो कि 22/7 इजिकल टू क्या, 22/7 इंटू R1 हमारा कितना? R1 हमारा 4 है, 4² जो कि 22/7 इंटू 16। नेक्स्ट A2 πR2² अगेन 22/7 इंटू R2 कितना? 5 square 22/7 इंटू 25 करेक्ट। फाइनली A1:A2 मतलब A1 divided by A2 हमको करना है। A1 divided by A2 जो कि 22/7 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 22/7 इंटू 25। 22/7 कट हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 25 और फाइनली 16:25। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज, तो 16:2 A1:A2 इजिकल टू 16:25 हमारा फाइनल आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल इन ए पार्क विद स्ट्रिंग 21 मीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ओवर फीस द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, यहाँ पर गिवन क्या है? एक पार्क है, एक स्ट्रिंग है, उसका लेंथ गिवन है, ठीक है, हमको एरिया फाइंड आउट करना है। पर किसी, मतलब कौन से शेप का एरिया फाइंड आउट करना है वो किसी को नहीं पता, तो उसी में से हम फाइंड करते हैं। पहले एक पार्क है, वो कौन सा भी शेप का हो, मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया है पार्क को, ठीक है, उसके अंदर एक पोल है, वो पोल का स्ट्रिंग जितना भी है, मतलब हमको 21 मीटर गिवन है। अगर यहाँ पर एक हॉर्स बंधा रहेगा और ये जो पोल से उसके नेक के साथ बंधा रहेगा वो 21 मीटर ही जाएगा, 21-2 और ज्यादा नहीं जाएगा, और वहां घूमेगा, वो घूम के एक सर्कल बना लेगा है कि नहीं, और ज्यादा तो नहीं जा पाएगा ना, तो इसीलिए एक सर्कल बनेगा उसी। तो हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अभी हमको आंसर मिल गया और रेडियस हमको ऑलरेडी गिवन है, उसी सर्कल का रेडियस गिवन है और सर्कल का एरिया हमको पता है, मतलब फॉर्मूला पता है πR², तो यहां लिख देंगे। बस वही हमको फाइंड आउट करना है कि कौन से शेप का रेडियस
यहाँ पर 21 मीटर है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, 21 इंटू 21 ये 3 है, ठीक है, तो 22 इंटू 66 इंटू 21, तो अगेन हम क्या करेंगे 66 21 1386 इसको इरेज कर लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब ये मीटर स्क्वायर में होगा, क्योंकि एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट पे लिखा जाता है और यहाँ पर मीटर है तो मीटर स्क्वायर जो कि हमारा फाइनल आंसर। तो आप लिख भी सकते हो द एरिया ओवर व्हिच द हॉर्स कैन ग्रेज इज द एरिया ओवर व्हिच इज 1386 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए स्टील वेयर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर एनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सेम वेयर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। एक स्टील का वेयर है, उसको हमने अगर क्लोज कर दिया वो स्क्वायर फॉर्म हो जाता है और उसका एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया हमको गिवन है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम लेंथ का स्टील वेयर हमको अगर बेंड किया जाता है सर्कल फॉर्म में, उसी का एरिया हमको फाइंड करना है, करेक्ट। तो कैसे करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पहले लिख देंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। और एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड स्क्वायर है कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर का साइड चारों साइड इक्वल है, तो साइड का स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से हमको मिल जाएगा साइड, करेक्ट। तो हमको क्या करना है, 121 इक्वल टू ए स्क्वायर, अदरवाइज आप कैसे लिख सकते हो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 121 एंड एस इज इक्वल टू 121 स्क्वायर रूट, जो कि 11 का हमारा मतलब दो बार 11 को हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 मिलेगा, तो ये सेंटीमीटर पे साइड मिल गया, करेक्ट। तो अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, क्यों, क्योंकि चारों साइड मतलब उसका जो लेंथ हमको पता करना है, क्यों, ये तो एरिया मिल गया, ठीक है, साइड मिल गया, एरिया से हम साइड को फाइंड आउट किए और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर अगर निकालेंगे उसी का लेंथ हमको पता चलेगा, किसका लेंथ, स्क्वायर का लेंथ, क्योंकि स्क्वायर के लेंथ हमारा जितना है वही लेंथ हम यूज किए हैं एक सर्कल बनाने में, करेक्ट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एस, जो कि 4 इंटू 11 और वो 44 सेंटीमीटर पेरीमीटर, मतलब उस जो स्टील वेयर का लेंथ 44 सेंटीमीटर हमको मिल गया। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कुमफेरेंस ऑफ द सर्कल, है कि नहीं, क्योंकि उसी लेंथ को यूज करके मतलब उसी वेयर को यूज करके हमने सर्कल बनाया हुआ है ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कुमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब सर्कुमफेरेंस ऑफ सर्कल हमको 44 मिल गया, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमको मिला था, तो 44 हम किसके जगह पुट करेंगे, 2 पाई आर जो कि सर्कुमफेरेंस है इज इक्वल टू 44, आर इज इक्वल टू आर चाहिए 44 डिवाइडेड बाय 2 पाई, जो कि 44 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 बाई 7
इज इक्वल टू 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 44, क्योंकि ये जो 2 है 22 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 44 कट हो जाएगा, बचेगा कितना आर मतलब 7, और वो 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमारा रेडियस मिल गया। रेडियस फाइंड आउट करने के बाद फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल कैसे हम स्टेप बाय स्टेप निकाल रहे हैं वही आपके दिमाग में रहना चाहिए। पाई आर स्क्वायर, पाई सॉरी 22 बाय 7 इंटू 7 इंटू 7, ये जो 7 है हमने दो बार पुट कर लिया क्योंकि आर स्क्वायर है, ये कट हो जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 बाय 7, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारा एरिया ऑफ द सर्कल स्क्वायर यूनिट पे लिखा जाता है, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। करेक्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।